इधर देख के जी दर्शक जी बताइए, आप यूक्रेन से लौटी हैं, कैसा लग रहा है, कैसा क्या माहौल था यूक्रेन का? काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, फैमिली से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेफ फील कर रही हूँ बहुत ज्यादा अभी। किस तरीके का अनुभव रहा वहाँ का, क्या माहौल था वहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से एक हमले की जो सूचनाएं लीक हुई थी उसके बाद से वहाँ पे पैनिक जैसा माहौल था? हाँ, थोड़ा पैनिक एक्चुअली हो गया था, क्योंकि जब पहली बार पता चला था कि ऐसा कुछ होने वाला है तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चे डरे हुए थे, और काफ़ी लोग तो उसी टाइम काफ़ी लोग इंडिया वापस जा चुके थे, बट हम लोग क्योंकि मैं थर्ड ईयर में थी हूँ मतलब, तो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था डिसाइड करने के लिए कि मुझे जाना चाहिए अभी या नहीं जाना चाहिए, तो बस ये सब चीज़ें थी। पैनिक तो काफ़ी था, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस भी बहुत हुआ, पर कैसे भी करके बस ये चीज़ था कि हाँ थोड़ा पढ़ाई पे फिर भी फोकस रखा हम सब ने। और बस अभी भारत के कितने बच्चे अटके हुए हैं मध्य प्रदेश के, इसके बारे में कुछ आपके साथ कुछ हो जो अभी ऐसे जानकारी नहीं, पर काफ़ी ज़्यादा है, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो मेरे बैचमेट्स हैं वो सारे अभी वहीं पर हैं, मेरी बात होती अभी हुई उन लोगों से, तो अभी सब लोग एक्चुअली लोग की टिकट जितनी भी थी किसी की 24-25 ऐसे थी, तो अभी जैसी इमरजेंसी लगी तो उस वजह से सारा कैंसिल हो गया, तो अब उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो अभी वो वहीं पर है। इमरजेंसी में टिकट भी 3 गुना हो गया ऐसा बताया जा रहा है। हाँ, उस टाइम पे एक्चुअली टिकट जो मतलब ऐसे नॉर्मली 25-30,000 का होता है, बट जैसे ही ऐसा कुछ आया कि इंडिया जाना है तो वो अचानक से जो रेट है टिकट के वो बढ़ के 60,000-70,000-80,000 तक चले गए, तो ये भी थोड़ी प्रॉब्लम थी काफी लोगों के लिए, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी काफी लोगों को। अच्छा, आपको कब पता चला कि रूस जो है इस तरीके से हमला करने वाला है, उसके बाद आपने क्या सोचा? ऐसे कुछ वो नहीं था मतलब कुछ हम लोग की कुछ बातें मतलब चल रही थी, हम लोग फ्रेंड्स वगैरह बैठे हुए थे, कुछ बातें चल रही थी, देन एक न्यूज़ आई ऐसे ही बस कि एक नॉर्मल स्टेटमेंट आया कि रशिया ऐसा कुछ सोच रहा है, तो हमें पता चला कि रशिया पहले भी ऐसा कुछ कर चुका है, देन हमने डिस्कस किया दूसरे यूक्रेनियन जो हमारे टीचर्स वगैरह हैं उन लोगों से, तो उन लोगों ने बोला कि ऐसा होता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग टेंशन मतलब तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर भी वो चीज़ था कि ध्यान जा रहा था वहाँ पे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वो चीज़ें बढ़ रही थी डे बाय डे, लाइक वो न्यूज़ बढ़ रही थी और सब लोग मतलब उसके बारे में बातें कर रहे थे, तो हम लोग का ध्यान वहीं जा रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं था, बस नॉर्मली पता चला ऐसे एक स्टेटमेंट के थ्रू कि ऐसा कुछ हो मतलब ऐसा कुछ सोच रहा है रशिया, एंड देन वो बात फिर फैलती गई और फिर ऐसे फिर सारे लोग को पता चल गया। आप कहाँ से मतलब यूरोप के बाद से आप कहाँ दुबई पहुँचे थे, उसके बाद इंडिया है? हाँ जी, मैं पहले वहाँ से मैं दुबई पहुँची, देन दुबई के बाद मैं फिर दिल्ली के बाद फिर इंडिया।